हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित हुसैनपुर गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान फुरकान हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 75 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक भी विद्यालय नहीं है, जिससे गांव के बच्चे अशिक्षित हैं, जो गांव में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा तथा पौधारोपण का कार्य भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 7 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 25 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 22 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र, जल निकासी के लिए नाला तथा सड़कों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है तथा यह भी बताया कि गांव में बने हुए तालाब को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, जिससे गांव में कोई बीमारी ना फैले। मैं ग्राम प्रधान फुरकान, ग्राम हुसैनपुर, ब्लॉक सरसावा, डिस्ट्रिक्ट सारण। मैंने विकास कार्य जो कराए लगभग 7 सीसी, 2200 ऊर्जा लाइट, 2200 ऊर्जा लाइट है, 134 राशन कार्ड है, 20 पिल्सन और जी 75 शौचालय जो कंप्लीट हुए, 200 का टारगेट है। उसके बाद जो है सबसे पहली मेरी मांग है, ये यहाँ जो जोड़ है, जोड़ पे जो पानी रोड पे फैल रहा, इससे गंदगी भी और काफ़ी कुछ वो हो रहा, इसे हटाए कि किसी और जगह शिफ्ट कराया जाए। मेरे गांव में ना प्राइमरी स्कूल है, ना हाई स्कूल है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है, इसकी जगह उनमें से कोई सा भी जहाँ पे तालाब है, ये ग्राम समाज की जगह है, इसे हटा के स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र कुछ भी खोल लिया जाए। मैंने पेड़ भी काफ़ी लगवाए जो वायु प्रदूषण रोकने के लिए जो है गाँव में, गाँव के आसपास काफ़ी वो किया। हमारे गाँव में जो भी पात्र लोग मकान के लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उन्होंने आवास मिलने चाहिए। पहले से नहीं चालू की जहाँ जो रुकी